आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अब मैं जा रही हूँ अपने छोटे से गार्डन में बाहर, और उसमें जो जो मैंने चीजें उगा रखी थी, फाइनली वो सारी चीजें पक चुकी हैं और उन सभी चीजों का उखाड़ने का टाइम आ चुका है। तो अभी तो वो सारी चीजें मैं उखाड़ूंगी, उसके बाद में मैं उगाऊंगी उस छोटे से गार्डन में गर्मियों की सब्जियां। आज तो जो जो मैंने उसमें चीजें उगा रखी हैं वो सारी चीजें मैं उखाड़ूंगी, उसके बाद में 2-4 दिन वो जमीन है जो रेस्ट करेगी, उसके बाद में मैं उस जमीन की गुड़ाई करूंगी, खाद डालूंगी और फिर मैं उसमें उगाऊंगी गर्मियों की सब्जियां। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज पक चुकी है और क्या क्या चीज अभी 1-2 दिन और छोड़नी पड़ेगी, वो वहीं चल के देखेंगे। तो चलिए चलते हैं गार्डन में। यहाँ पर मम्मी देखो खुदाई कर रही है आज पूरे गार्डन का और देखो सत्या। लहसुन बने, देखो लहसुन लहसुन ये देखो चमक रहा है लहसुन धूप की बने। वजह से। ये देखो इधर एक छोटे छोटे और पड़े हैं। आज पूरा गार्डन बर्बाद कर देंगी मम्मी। बर्बाद नहीं कर रहे, अब ये लावनी आ चुकी है तो इसकी कटाई कर रहे हैं। फिर हम इस गार्डन में उगाएंगे गर्मियों की सब्जियां। तो सर्दियों की सब्जियां तो अभी तक कुपोषण में। ये देखो पोषण में ये नहीं क्या है, उगी है। बहुत सब्जी खाई है सर्दियों की हमने अपने गार्डन की, लहसुन तो उगे ही नहीं। बहुत सब्जी खाई हमने अपने गार्डन की, पालक, ये धनिया, देखो मेथी, चने, ये हम कहीं से नहीं लाया बाहर से, सब अपने गार्डन से ही खाई। तो बस लहसुन है ना जो ये सही नहीं बने। ये देखो देखो मरे हुए लहसुन। अरे लहसुन को चाहिए, ग्वार पाटा देखो ग्वार पाटा। लहसुन को चाहिए मतलब बिल्कुल ऐसी मिट्टी की जो मतलब टाइट नहीं हो, तो वो ये क्या है कि और चीजों की वजह से इसकी गुड़ाई नहीं कर पाए, इसलिए ये लहसुन नहीं बना। लहसुन चलो तो जैसे सब भी बने, बेकार घर है। के बने तो सही। ये देखो यहाँ पर गुलाब के फूल है बस। ये यहाँ मैंने पे धनिया है जो ये उखाड़ गुलाब लिया का ना, पेड़ है, यहाँ पे फूल एक भी नहीं है, सिर्फ पत्ते ही पत्ते, वो कांटे ही कांटे हैं। अब नहीं लगने इसमें फूल, जितने लगने तो लग नहीं गए। लगने, बसंत का मौसम आया तो सब चीजें सफेद समझो सफेद कि वाला भी गया। ये लाल वाला है शायद, है ना? ये लो और ये वाला सफेद वाला ये है। लो धनिया। अगर ये सॉरी लहसुन चाहिए किसी को तो बोल लेना, हम पार्सल करवा देंगे, क्योंकि ये लहसुन देखो तो बहुत ज्यादा निकल रहा है यहाँ पे। ये देखो कांटे देखो, बहुत ही खतरनाक कांटे। भाई कांटे तो कांटे देखे ना तो गुलाब बोना ही नहीं चाहिए, लेकिन फूल देखे तो गुलाब बोना चाहिए। ये धनिया है ना, हाँ ये देखो धनिया, ये बीज है वो देखो सूखे रहते हैं वैसे वो वाले। ये देखो जो भी चीजें उगाई ना उगी सारी चीजें, और सारी चीजें पकी हैं। खेतों में काम कर रही है, देखो किसान की बेटी खेतों में काम कर रही है, अभी किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है लेकिन हम नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी खेती है। ये पेड़ ये वाले और ये वाले बस फूलों के लिए लगाए, फूलों के लिए, जिनमें फूल भी नहीं उग रहे। जब भी क्या चीजें चाहिए वो बोल देना भाई, पार्सल करवा देंगे। लहसुन चाहिए, धनिया ये चाहिए, वाला चने एलोवेरा तो सूख चाहिए, गया है, मिर्ची चाहिए, वो वाला तो अच्छा उगा है, ये वाला सूख गया और है। ये गुलाब है ना ये क्या छोटा। है, चने, चने देखो अच्छे हैं, चने देखो अच्छे हैं। वहाँ पे देखो वो उगे हुए, देखो ये चने उगे हुए हैं, वो चने बहुत अच्छे हैं। ये ग्वार पाटा भी सूख चुका है, यानी एलोवेरा ये भी सूख चुका है। ये पता नहीं इसमें एक भी कुछ, करौंजे का पेड़ है ये वाला, करौंजे का पेड़ है, इसमें अभी तक कुछ नहीं उगा है। ये करौंदा और ग्वार पाठा ये एक साइड में उगा दो, नहीं तो फिर इनको उखाड़ के फेंक दो। ये तो यार पूरे फाड़े, देखो मेरे यहाँ पर ये जख्मी कर दिया, खून निकाल दिया मेरे पैर में। और गुलाब के कांटे तो भाई, तो फूल गुलाब जैसे में पे कांटे कहाँ से आए, जो जो बोओगे वही पाओगे, गुलाब के फूल में कांटे। फूल और कांटे। हाँ फूल और कांटे भाई, पर यहाँ पे कांटे ही कांटे, फूल नहीं है। कांटे ही कांटे हैं, फूल नहीं है। ये देखो इतना बड़ा पेड़ है, इसमें एक भी फूल नहीं है, ये सिर्फ आ रहा कांटे ही एक कांटे। आ रहा है ऊपर एक अरे तुझा है वो फूल थोड़ी, अभी आया। तो इस सौंफ को बांधा जा रहा है यहाँ पर। मैं थोड़ी मदद कर देता अरे ये हूँ। टूट जाएगा, टूट जाएगा बिल्कुल, ये नाजुक रहता है, टूट जाएगा। अरे यार जब आप पकड़ रहे थे जब तो नहीं टूट रहा था, है ना? अरे मैं बिल्कुल इसको ऐसे पकड़ रही हूँ कि जैसे सौंप है,
अब ये सौंप नहीं पकी, इसको छोड़ना पड़ेगा 2-4 दिन अब के इसको लिए। बांध दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल रहा था आसपास। तो फाइनली फिर से हमारी मम्मी फिर सेव, से अपने गार्डन को बर्बाद करना में लग गई हैं, ये देखो। तो फाइनली फ्रेंड्स स्टोर करने के लिए तो सब्जी बहुत कम हुई है, लेकिन खाई पूरी बहुत है, खूब पूरी खाई। सर्दियां खाई थी सब्जी, और अब मैं यहाँ पर गर्मियों की सब्जी उगाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं ये सारी सब्जी उखाड़ रही हूँ यहाँ से। जो भी धनिया है, जो भी थोड़ा बहुत होगा वो हो जाएगा, लेकिन अब इसका टाइम तो हो गया है ख़त्म, और अब गर्मियों की सब्जी उगाने का टाइम आ गया है, तो मैं जी वेरी बिग, जितना भी है उससे खुश रहना चाहिए। ये किस चीज का पेड़ है भाई? सिटियों में कहाँ मिलती है रे जगह, गांव में ये किस चीज का पेड़ है? ये हमने गुलाब का पेड़ यहाँ पर उगाया था। इसे गुलाब का पेड़ कहते हैं। ये डा देखो गार्डन, आज आपको इसका पूरा रिनोवेट होके ही मिलेगा। ये देखो फूल, ये सब जाने वाले हैं। फूल वूल भी उखाड़ रहे हो सब? नहीं, नहीं उखाड़ रहे हो, चलो बढ़िया। कितना मस्त लुक आ रहा है, रुको मैं फोटो खींच लेता हूँ यहीं से। क्या बात है, क्या बात है, क्या मस्त फूल का फोटो आया। गुलाब और होते तो अच्छा लगता है, ये अलग फूल है। गुलाब तो गुलाब होता है, लेकिन गुलाब उगी कहाँ रहे? गुलाब के तो सिर्फ कांटे उग रहे हैं। गुलाब इतने उगे थे देखो घर पे, मतलब एक वो छोटी टोकरी है ना, वो हाँ फूलों तो से भरी हुई है, वो भरी हुई थी, अब तो नहीं उग उगी थी रहे हैं। ऐसे। चने हमारे यहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी हैं, चने बहुत उगे हैं हमारे। चने सबसे ज़्यादा चने ही उगे हैं हमारे यहाँ पे, ये देखो इसमें लगे हुए हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि धनिया की जो मैंने कटाई की है उससे ही मेरी हालत ख़राब हो गई है, और अब मैं चने की कटाई करना शुरू कर रही हूँ, तो यहाँ से ही शुरू करूँगी, और पूरे चने में एक साथ में ही ये उखाड़ने वाली हूँ। तो मैं हाथों से ही उखाड़ रही हूँ, ये देखिए लो सब्जी बना लेना चने की। दो बना लेता हूँ। आप इस टाइम पे क्या कर रहे हैं वो कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपके खेती है तो आप भी किसी न किसी चीज की, किसी फसल की तो कटाई कर ही रहे होंगे, तो कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपके वहाँ पर कौन सी खेती होती है और आप कैसे कटाई करते हैं, वे जरूर आप कमेंट्स में बताना। यहाँ पे रोड है, आवाज़ आती रहती है, उस पर ध्यान मत दो। ये स्कूल का जो बज गया है खाने का टाइम हो सायरन, गया है। बच्चों का खाने का टाइम हो गया, तो यहाँ पर हमारे आवाज़ सुनाई दे देती है सायरन की। मेरा लड़का भी एक वहाँ पर पढ़ता है भाई, मुझे पता चल जाता है कि लड़के ने खाना खा लिया है। और ये चना है, फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे मैं अपने खेत में काम कर रही हूँ। और हालत कैसी खराब होगी, आप देखो मेरे बाल बिल्कुल पागलों जैसे फैल चुके हैं, और ऐसी हालत रहती है गांव में जब खेतों में काम करते हैं ना, तो बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही है। और कोई नहीं, अच्छा लग रहा है और हम तो एंजॉय आराम कर से रहे बैठे हैं हैं, भाई, हम तो कुछ मतलब नहीं कर रहे हैं। बाहर कहाँ निकलते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, इस बहाने से थोड़ा बाहर एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको वहाँ पर किस चीज़ की कटाई हो रही है। मेरे यहाँ तो चने और धनिया ये चीज़ की कटाई हो रही है, आपके वहाँ किस चीज़ की कटाई हो रही है आप कमेंट्स करके बताना। अगर आप एक किसान हो, खेती का काम करते हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो प्लीज़, कर दो ना, नहीं हो तो भी कर दो ना प्लीज़, कर दो, सब कर दो। इस सौंफ के पेड़ तो के लिए कर चलिए दो, काम कर लेते हैं। इस सौंफ के पेड़ के लिए लाइक कर और दो। ये लड़का बहुत मुश्किल से आया है बाहर, मैं तो अंदर ही था और जा रहा हूँ, मैं तो अंदर वापस जा रहा हूँ। मैं तो काम